हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे या मोगरी वाली बेसन की चक्की। इसे मैंने बिना सूजी के बनाया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनी है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम या 2 कप बेसन लिया है। 150 ग्राम या 1.5 कप देसी घी लेंगे। 150 ग्राम या 1.5 कप चीनी लेना है और जितनी चीनी ली है उतना ही पानी लेना है चाशनी बनाने के लिए। इसके साथ ही 3 बड़े चम्मच दूध लेना है, 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर और थोड़े से चॉप्ड किए हुए बादाम लेंगे गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन को एक बार छान लें। अब इसमें 3 बड़े चम्मच दूध ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इसे मिला लेते हैं। इसे हाथों से मसलते हुए मिलाकर तैयार कर लेना है। बेसन, दूध और घी को अच्छे से मिला लेने के बाद क्रमली मिक्सर बनकर तैयार है। अब इसे हम साइड में करते हुए इसे अच्छे से दबाकर तैयार कर लेंगे। बेसन के मिक्सर को मैंने अच्छे से दबाकर सेट कर लिया है। अब इसे हम करीब 30 से 45 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी बर्फ़ी दानेदार बनेगी। करीब 45 मिनट्स के बाद मिक्सर अच्छे से सेट होकर थोड़ा सख्त हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से मसलते हुए इसका चूरा बना लेंगे। बेसन का चूरा बना लेने के बाद अब इसे एक बार छान लेते हैं। छानने के लिए बड़े होल वाली छलनी लेना है, जिससे हम चावल या दाल को छानते हैं। अब इसमें बेसन का मिक्सचर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए निकाल लेंगे। बेसन के मिक्सचर को छान कर निकाल लेने के बाद क्रम्बली टेक्सचर का मिक्सचर बनकर तैयार है। ये मोतीचूर के लड्डू की बारीक बूंदी के जैसा दिख रहा है। ये बिल्कुल सही टेक्सचर है बेसन की बर्फ़ी के लिए। अब इसे हम घी में सेक लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में घी को गर्म कर लें। घी जब अच्छा गर्म हो जाए इसमें बेसन के मिक्सचर को डालें। फ्लेम को इस वक्त मीडियम में रखना है और इसे मीडियम फ्लेम में करीब 5 मिनट के लिए सेक लें। अगर इसे आप स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं तो फ्लेम को पूरे टाइम स्लो में रखना है और बेसन को स्लो फ्लेम में ही सेकना है। करीब 5 मिनट मीडियम फ्लेम में सेक लेने के बाद अब बेसन के मिक्सचर में हल्का सुनहरा कलर आने लगा है। अब हम फ्लेम को स्लो में कर लेते हैं और इसे स्लो फ्लेम में अगले 5 से 7 मिनट के लिए और सेक लेंगे। करीब 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम में सेक लेने के बाद बेसन में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे हमें इतना ही सेकना है। जब इसे हम चाशनी में डालकर पकाएंगे तो इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। बेसन को सेकने में टोटल 10 से 12 मिनट का समय लगा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाए। अगर आप बेसन को सेकते हुए साइड में ही चाशनी तैयार कर रहे हैं तो इसे प्लेट में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 150 ग्राम चीनी लेंगे। अब जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ऐड करना है। अब इसे मिला लेते हैं। जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए और इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच दूध ऐड करेंगे और चीनी की जो भी डर्ट है उसे अलग निकाल लेंगे। चाशनी को साफ़ कर लेने के बाद अब इसे हम हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी 1.5 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। करीब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में पका लेने के बाद 1.5 तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को स्लो में कर लेते हैं। अब इसमें हम सीका हुआ बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पर चाशनी बनाते समय थोड़ी सी केसर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बर्फ़ी का कलर और भी अच्छा आएगा।
सीखा हुआ बेसन ऐड करने के साथ ही अब इसमें 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इलायची के पाउडर को आप डायरेक्ट चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिला लेते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम में करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाना है। करीब 1 से 1.5 मिनट स्लो फ्लेम में पका लेने के बाद अब मिक्सचर अच्छा गाढ़ा हो गया है, इसे हमें इतना ही पकाना है। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना दानेदार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ग्रीस लगी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे केक ठेल लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब इसमें बर्फ़ी का मिक्सचर डालेंगे और इसे फैला लेंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को फैला लेने के बाद अब इसे चॉप किए हुए बादाम से गार्निश कर लेते हैं। अब इसे हम करीब 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद अब बर्फ़ी अच्छे से सेट होकर तैयार है। आप चाहो तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट करने के लिए। अब इसे काट कर इसके पीसेस निकाल कर सर्व कर लेते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बेसन की सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये बहुत अच्छी बनी है, इसे आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।